श्रीदेवी के साथ उनके पति बोनी कपूर और बेटी खुशी भी दुबई में मौजूद थे। बोनी कपूर ने निधन की पुष्टि की है। श्रीदेवी के निधन से गम में डूबा बॉलीवुड, शोक जताने के लिए लोग मुंबई स्थित घर भी पहुंच रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने रात 1:15 बजे ट्विटर पर लिखा, न जाने क्यों एक अजीब सी घबराहट हो रही है। प्रियंका चोपड़ा ने ट्विटर पर लिखा, मेरे पास शब्द नहीं है, श्रीदेवी को प्यार करने वाले हर व्यक्ति के प्रति संवेदना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। श्रीदेवी ने करीब 4 दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। उन्होंने बॉलीवुड के तकरीबन सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया। 1996 में श्रीदेवी ने अनिल कपूर के बड़े भाई और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी की थी। हाल में आई श्रीदेवी की फिल्म मॉम भी बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही। ये श्रीदेवी की 300वीं फिल्म थी। श्रीदेवी को बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार कहा जाता है। 2013 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। श्रीदेवी ने बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अब बड़ी बेटी जाह्नवी भी फिल्मों में आ रही है। श्रीदेवी ने जब पहली बार फिल्म में एक्टिंग की तो उनकी उम्र 4 साल थी। उन्होंने 1967 में तमिल फिल्म मुरुगा में काम किया था। श्रीदेवी ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयाली फिल्मों में भी काम किया। 1978 में फिल्म सोलहवा सावन से श्रीदेवी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर धर्मपुर स्कूल के 9 बच्चों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और हादसे में 14 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 3 की हालत नाजुक है। घटना के समय सभी बच्चे सड़क पार कर रहे थे, तभी अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी की चपेट में बच्चे आ गए। घटना के समय चालक नशे में था। घटना के बाद से आरोपी ड्राइवर फरार। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बोलेरो वाहन बच्चों को कुचलते हुए भाग निकला। हादसे पर सरकार ने भी शोक जताया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं हादसे से बच्चों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घरों में मातम पसरा हुआ है, पूरा परिवार सदमे में। हादसे से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क पर आगजनी की। जिस बोलेरो ने बच्चों को रौंदा था वो भी बरामद हुई। मुजफ्फरपुर हादसे में घायल बच्चों को एसकेएमसीएच अस्पताल में देखने पहुंचे तेजस्वी यादव। बच्चों का जाना हाल। मुजफ्फरपुर हादसे में आया नया मोड़। हादसे को अंजाम देने वाली गाड़ी बीजेपी नेता मनोज बैठा की गाड़ी के आगे लगा है मनोज बैठा का नेम प्लेट। मनोज बैठा बीजेपी महादलित मंच के प्रदेश महामंत्री हैं। मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना। एसकेएमसीएच में बच्चों का हाल जानने पहुंचे थे तेजस्वी। मुजफ्फरपुर हादसे को लेकर श्रद्धांजलि के बाद पटना में आयोजित बीजेपी का होली मिलन समारोह स्थगित। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने हादसे पर जताया शोक। तेजस्वी यादव का ट्वीट, बच्चों की मौत से हूं बेहद आहत। मुजफ्फरपुर में हुए हादसे में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना के कारगिल चौक पर कैंडल मार्च कर बच्चों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं एलजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार से अपील की है कि घायल बच्चों के लिए सरकारी खर्च पर इलाज किया जाए। सीएम नीतीश कुमार आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। झारखंड में मिशन 2019 की तैयारी में जुटी जेडीयू उससे पहले निकाय चुनाव में अपने हाथ आजमाने की कोशिश में। प्रदेश जेडीयू की ओर से राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन विधानसभा के पास स्थित मैदान में होगा। सीएम नीतीश पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नीतीश लंबे समय के बाद झारखंड में पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में पार्टी को प्रदेश में मजबूत बनाने और आगामी लोकसभा और राज्यसभा चुनाव पर चर्चा होगी। सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर शाम आरजेडी विधायक दल की बैठक होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे बैठक को संबोधित। लालू की जमानत याचिका खारिज होने पर तेजस्वी का बयान, इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत। तेजस्वी ने भी कहा है कि संविधान बचाओ न्याय यात्रा को काफी जन समर्थन मिल रहा है, जिससे विपक्ष घबराकर और बौखलाहट में नजर आ रहा है। पटना में नीरज कुमार का तेजस्वी पर हमला। अपने 9वें खुले पत्र के जरिए नीरज ने तेजस्वी पर हमला किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज तेजस्वी यादव से कई सवाल नीरज कुमार ने पूछे हैं और कहा है कि 378 दलित समुदाय के लोगों की हत्या के लिए माफी मांगे तेजस्वी यादव। नीरज कुमार के पत्र पर आरजेडी का पलटवार। पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री अब्दुल गफूर का बयान, खुले पत्र इससे भी पहले लिखे गए हैं और पत्र का नोटिस आरजेडी नहीं लेती है।
अररिया में हो रहे लोकसभा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी सरफराज आलम से मिलने पहुंचे कटिहार सांसद तारिक अनवर ने तीनों सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस की जीत का दावा किया है। अररिया लोकसभा सीट से सरफराज आलम को भारी मतों से जिताने की अपील। बिहार कांग्रेस कमेटी का उपचुनाव को लेकर यूटर्न, अशोक चौधरी को राज्य स्तरीय चुनाव संचालन समिति में दी गई जगह। पहले जारी स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं था अशोक चौधरी का नाम, पार्टी की गतिविधियों की मॉनिटरिंग करें। दीघा में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान आंदोलन को शरद यादव का मिला साथ, किसान पंचायत में हुए शामिल। जमीन को फ्री होल्ड करने के साथ किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग। जेडीयू नेता मणिभूषण निषाद के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया शोक। जेडीयू के दफ्तर में सीएम ने दी मृतक नेता को श्रद्धांजलि, कहा मणिभूषण निषाद की मौत काफी कष्टकारक। सीएम नीतीश कुमार ने किया आईपीएस समेत 16 अफसरों को सम्मानित, कहा बिहार में कानून का राज स्थापित करने में हुए सफल। एसपी को दिया निर्देश, बिना वजह किसी का नहीं करे ट्रांसफर। भारत में सालाना कैंसर के 14 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि साल 2020 तक सालाना नए मरीजों की संख्या बढ़कर 20 लाख तक हो जाएगी। पटना मेडिकल कॉलेज के 93वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर चर्चा में ये जानकारी सामने आई। तृणमूल कांग्रेस का राज्य स्तरीय सम्मेलन आज पटना के बापू सभागार में कल संपन्न हुआ। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए तृणमूल के इस सम्मेलन को बिहार में पार्टी के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी के द्वारा मधुबनी आईबी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सूबे के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। सैकड़ों लोगों ने होली मिलन समारोह में शिरकत की। अपने लापता बेटे की तलाश में मां बाप उतरे सड़क पर, 3 मई 2015 से गायब है गया का रहने वाला दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर उत्तम कुमार। राष्ट्रपति की पहल पर 33 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, परिजन ने सीबीआई जांच की मांग की। पशुपालक किसानों का सत्याग्रह जारी, 3 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 18 फरवरी से बैठे हैं अनशन पर। समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने दिया मांग पूरी करने का भरोसा। छपरा में जी बिहार झारखंड की खबर का असर, बनियापुर ब्लॉक के कुलहुआ हाईस्कूल में जाति आधारित रजिस्टर और सेक्शन बनाने के मामले में प्रशासन ने लिया संज्ञान। डीएम के निर्देश पर स्कूल के प्रिंसिपल के वेतन पर रोक, जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा। भागलपुर एसएफसी के बागबाड़ी गोदाम से 5,660 क्विंटल चावल गायब करने का मामला सामने आया है। इसकी कीमत 1,84,80,000 रुपया की गई है। बबरगंज थाने में मामला दर्ज। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक ने पड़ोस के युवक पर आरोप लगाते हुए पत्नी और बच्चे को घर से भगाने का मामला दर्ज किया है। पीड़ित युवक ने बताया कि 6 महीने से थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। मुंगेर पुलिस ने दरियापुर गांव में छापेमारी कर 3 लग्जरी गाड़ी बरामद की है। पुलिस ने शिवानंद सिंह नाम के व्यक्ति के घर पर छापेमारी, सुमो ग्रैंड इंडिका और विक्टा गाड़ी बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई सभी गाड़ियां हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की। सिवान में मामूली विवाद में एक दलित युवक को गोली मार दी गई, घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के भाती गांव की घटना, पुलिस मामले की जांच। बेतिया जिले के मंझौलिया में दहेज की खातिर ससुराल वालों ने एक नवविवाहिता की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। नवविवाहिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उनके परिजनों ने दहेज में वॉशिंग मशीन, एलसीडी और जनरेटर नहीं दिया था। शादी 6 दिन पहले हुई थी। छपरा में एक और खबर का असर हुआ है, बच्चों से झाड़ू लगवाने और पत्रकार से बदसलूकी के मामले में भी डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। डीएम हरिहर प्रसाद ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। पटना स्टेशन पर जीआरपी ने हावड़ा हरिद्वार एक्सप्रेस से भारी मात्रा में तस्करी कर ले जाए जा रहे कछुओं की खेप को बरामद किया है। ये कछुए ट्रेन में लावारिस हालत में ट्रेन से बरामद किए गए। कटिहार में मनिहारी पुलिस ने 109 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है। शराब की कारोबारी महिला को गिरफ्तार किया गया है। असम और अरुणाचल से होली के लिए लाई गई थी शराब। कटिहार में छेड़खानी मामले में मंचले की जमकर पिटाई, मंचले को किया पुलिस के हवाले। फलका थाना क्षेत्र के फलका बाजार की घटना, बाजार में दुकान लगाने वाली लड़की से छेड़खानी का आरोप, आरोपी तंजीम पुलिस हिरासत में। पटना सिटी चौक थाना क्षेत्र के कीलघाट इलाके से पुलिस ने बोरा सिलाई कारखाना में छापेमारी कर 60 बोतल विदेशी शराब के साथ टेट्रा पैक और 38 पीस शराब के पाउच के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। नवादा रजौली के फुलवरिया डैम के पास शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, जहां 50,000 लीटर शराब पुलिस ने बरामद किए। पुलिस और शराब माफिया के बीच काफी देर तक गोलीबारी की घटना होती रही। औरंगाबाद में एनटीपीसी खैरा थाना क्षेत्र में शराब की बड़ी खेप की बरामदगी, लग्जरी कार से 1740 पाउच देसी शराब की बरामदगी की गई। तृणमूल कांग्रेस का राज्य स्तरीय सम्मेलन आज पटना के बापू सभागार में संपन्न हुआ। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए तृणमूल के सम्मेलन को बिहार में पार्टी के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। पत्थलगड़ी विवाद की हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची जी बिहार झारखंड की टीम, ग्रामीणों से मिलकर की सज्जाने की कोशिश, सामने आया चौंकाने वाला खुलासा।
कैमूर पहुंचे बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने भभुआ विधानसभा सीट के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान नित्यानंद राय ने बीजेपी प्रत्याशी रिंकी रानी का 50,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीतने का दावा किया। गिरिडीह के विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने सीसीएल क्षेत्र के चुंझका में अपने समर्थकों के साथ सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक शाहबादी के साथ होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया। रांची नगर निगम सभागार में निगम बोर्ड की बैठक, बिजली पानी की नियमित आपूर्ति को लेकर पार्षदों में दिखा आक्रोश। बैठक में शहर के स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराने और जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग। सिमडेगा के सदर अस्पताल में डॉक्टर मनोज ने मिसाल कायम करते हुए सीमित संसाधनों की मदद से युवक के शरीर से गोलियां निकालने में कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि केरसई थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक बाइक सवार की गोली मारी गई थी, जिससे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। डाल्टनगंज सदर अस्पताल में प्रसव कराने आई महिला ने अस्पताल के गेट के पास ही बच्ची को जन्म दिया। महिला को सदर अस्पताल के दो मंजिला वार्ड में लेकर जाना था, लेकिन पीड़ित को किसी ने वार्ड तक नहीं पहुंचाया। अनुमंडल पदाधिकारी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। 25 फरवरी को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में नालसा स्कीम के तहत असंगठित कर्मचारियों को सरकारी स्कीम से जोड़ने को लेकर विधिक सेवा जागरूकता एवं सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन झारखंड के चीफ जस्टिस डीएन पटेल करेंगे। सरायकेला के भू अर्जन पदाधिकारी के साथ हुए मारपीट मामले को लेकर चाईबासा परिसदन में राज्य प्रशासनिक अधिकारियों की आपात बैठक। सरकार से बीजेपी विधायक साधुचरण महतो के खिलाफ काबू, गाड़ी पर लदा था शादी का सामान। गोड्डा में तालाब के गड्ढे में गिरने से रिश्ते में चचेरी बहनों की मौत। 10 साल की आरती और 9 साल की लक्ष्मी बर्तन धोने गई थी। तालाब में जेसीबी से खुदाई के कारण बना था गड्ढा। संत सुपुन भगत की जयंती मनाई गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही इसमें आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी मांगे भी रखी। इस दौरान उनका कहना था कि स्वच्छता अभियान के तहत हम जुड़े हैं, पूरे शहर को सुबह से ही साफ सफाई में हम लोग लग जाते हैं। हम लोगों को सरकार उचित वेतन मानती है। जमशेदपुर में 25 ड्रम में हजारों लीटर महुआ शराब के साथ 2 स्कूटर जब्त। मौके से आरोपी फरार। एमजीएम थाना स्थित छोटा बाकी क्षेत्र में उत्पाद विभाग की छापेमारी में कार्रवाई। जामताड़ा के सिविल सर्जन के साथ बदसलूकी के मामले में झांसा और आईएमए ने 2 दिन का ओपीडी बंद करने का फैसला किया है। सरकारी सेवाओं के अलावा नर्सिंग होम के संचालकों ने भी अपने आउटडोर का बहिष्कार किया। छतरा में टीपीसी नक्सली संगठन का सक्रिय सदस्य प्रदीप गंजो गिरफ्तार हो गया। लेवी के 50,500 रुपये भी बरामद किए गए हैं। सिमरिया थाना क्षेत्र के सोस इलाके से हुई गिरफ्तारी। धनबाद में आरपीएफ की टीम ने सोना चांदी की बड़ी खेप को पकड़ा है। बिना कागजात के थे सभी जेवरात। मुंबई से धनबाद लाया गया था सोना। धनबाद में ज्वेलर्स की दुकान में ये सभी जेवर की सप्लाई करनी थी। 8 फरवरी को अरगोड़ा थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी काशीनाथ महतो के ऊपर जानलेवा हमला मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, साथ ही एक पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादी के बीच मुठभेड़ मामले में 1 की गिरफ्तारी। पुलिस पर फायरिंग करने का है आरोप। गोलीबारी में केरसई थाना के चालक को लगी थी गोली। 3 उग्रवादियों की तलाश है। 18 फरवरी को एजेएसयू नेता रंजीत सिंह के हत्याकांड में पुलिस को मिली कामयाबी। 3 अपराधियों को चंदवा थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। कोल साइडिंग के वर्चस्व को लेकर हुई हत्या। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार भी जब्त। बोकारो में सड़क हादसे में महिला की मौत पर बवाल। आक्रोशित लोगों ने तेल मच्छो पुल पर घंटों रखा जाम। ट्रेलर को किया क्षतिग्रस्त। सरायकेला में सड़क हादसे में कारोबारी की मौत। गुस्साए लोगों ने सरायकेला जमशेदपुर मुख्य सड़क पर लगाया जाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में अपराधी बेखौफ। झरिया के दुबारी राज पर बस्ती में अपराधियों ने जमीन कारोबारी कौशल प्रसाद को गोली मार दी। आपसी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। कारोबारी की हालत गंभीर है। धनबाद में अपराधियों ने राशन दुकानदार को गोली मारी। इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती। परिजनों के मुताबिक जमीन विवाद में जानलेवा हमला किया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। दुमका के समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं पर्यवेक्षण समिति की बैठक दुमका के सांसद शिव सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व की बैठकों के लिए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई। संत सुपुन भगत की जयंती मनाई गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही इसमें आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी मांगे भी रखी। 26 और 27 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 18वां प्रांतीय अधिवेशन जमशेदपुर के तुलसी भवन में आयोजित किया गया। एबीवीपी के प्रांतीय अधिवेशन में करीब 800 प्रतिनिधि शामिल होंगे। घाटशिला के चाकुलिया में सीपीसी पार्टी का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन आज से शुरू किया जाएगा। शहर का भ्रमण करते हुए चाकुलिया शिल्पी महल मैदान में पहुंचकर जनसभा में तब्दील कर गया। राज्य स्तरीय शहीद शेख भिखारी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन लातेहार खेल स्टेडियम में किया गया। खेल का आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा।
पीएनबी महाघोटाले में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द, नीरव की 523 करोड़ की संपत्ति भी जब्त। पीएनबी घोटाले में ईडी ने नीरव मोदी की 21 और संपत्ति जब्त की है। अहमदाबाद में भी 534 करोड़ के प्लॉट को किया गया। पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी ने अपने कर्मचारियों को लिखा पत्र, कुछ गलत नहीं किया, सच सबके सामने आएगा लेकिन समय लगेगा। मेहुल चौकसी ने लिखा, एजेंसियों के काम से मुझे भारी परेशानी, सभी काम ठप पड़े, सैलरी और बकाया चुकाना मुश्किल। सीबीआई को मिली रोटोमैक पेन के मालिक विक्रम कोठारी की रिमांड, 11 दिन तक सीबीआई करेगी पूछताछ। कोठारी पर बैंक के 3695 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप, बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर कार्रवाई। पीएनबी घोटाले के बाद एक और बैंक लोन घोटाले का खुलासा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 390 करोड़ के घोटाले में सीबीआई ने केस दर्ज किया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 390 करोड़ की हेराफेरी मामले में केस दर्ज, सीबीआई ने दिल्ली के 6 हीरा निर्यातकों के खिलाफ केस दर्ज किया। बैंक से धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी, सरकार जल्द ला सकती है कड़ा कानून। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, विलफुल डिफॉल्ट के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोन देने और देने वालों का अनैतिक रिश्ता खत्म होना चाहिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एक टीवी शो में सिंगर पापोन के अभद्र बर्ताव की निंदा की है। पापोन पर शो में एक बच्ची से गलत हरकत करने का आरोप। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि पापोन के रिकॉर्डेड शो को एडिट कर शो से हटा दिया गया है, एसएल ग्रुप में उन पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक कंपनी के सीएमडी पापोन और टीवी शो में उनके साथ शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। केप टाउन में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। तीसरे वनडे में 43 रनों की तेज पारी खेलने वाले सुरेश रैना को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि सीरीज में शानदार गेंदबाजी करने वाले भुवनेश्वर कुमार मैन ऑफ द सीरीज बने। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 172 रन बनाए थे। भारत के लिए सुरेश रैना ने तेज 43 रन बनाया, धवन ने भी 47 रनों की पारी खेली। 173 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही अफ्रीकी टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 165 रन ही बना सकी। टीम के लिए कप्तान ज्यूमिनी ने 55 रनों की पारी खेली।